नाइल बना तो सही है। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त शाहपुर विधानसभा में हम हैं और शाहपुर विधानसभा में काफी जबरदस्त तरीके से गंगाधर पांडे का अभी जो आप देख रहे हैं एक जुलूस कहा जा सकता है, अपने आप में हजारों लोगों की एक तादाद लगी हुई है इनके साथ। जहां भी जाते हैं, जिस पंचायत में जाते हैं, जिस गाँव में जाते हैं, एक भीड़ उमड़ पड़ती है, युवाओं की भीड़ एक ताता सा लग जाता है। आज हमारे साथ गंगाधर पांडे जी, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे कि जहां पे लगातार बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां अपना अपना दाव आजमाना चाह रही है शाहपुर विधानसभा में, सबकी आंखें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके साथ जनसैलाब उमड़ रहे हैं, काफ़ी लोगों का तादाद आपके साथ देखने को मिल रहा है, क्या प्लानिंग है आगे, आगामी क्या बताना चाहेंगे? प्लानिंग है, मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है। समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग के चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहता हूँ, उनकी खुशी के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। शाहपुर बिहिया की जनता के लिए मैं समर्पित भाव से सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ। आप एक अच्छे पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लोजपा से आप हैं, जदयू से? हम जदयू से। आप जदयू से हैं, यदि जदयू का टिकट यहाँ नहीं रहा तो क्या आप जनता के साथ रहेंगे या फिर जदयू टिकट देगी तभी आप चुनाव लड़ेंगे? मैं जनता दल यूनाइटेड का समर्पित सिपाही हूँ और मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी मेरे जीवन के आदर्श हैं, मेरे माई बाप हैं, मेरे देवी देवता हैं। टिकट दे तब भी, टिकट नहीं दे तब भी, एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है। मैं नीतीश कुमार का फोटो लेकर के गांव गांव में जा कर के दलित महादलित पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक के बीच में नीतीश कुमार जी का संदेश पहुंचाऊंगा और विदाउट टिकट ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, जानना चाहेंगे क्योंकि आप फर्स्ट प्राथमिकता है कि जनता और नेता के बीच में जो एक खाई बन गई है, जो दूरी बन गई है, उसको मैं पाटने का काम करूंगा। नेता का मतलब सेवक होता है, मैं विशुद्ध रूप से जनता के चरणों में सेवा करते हुए सदैव हाजिर मिलूंगा, तो जनता स्वयं पहचानेगी कि सही नेता का मैं चुनाव किया। जानना चाहेंगे, काफी लोग शाहपुर विधानसभा पे, बहुत सारे लोगों की नज़र है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि ब्राह्मण का ये है, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग कहीं से भी होते हैं टिकट लेने के चक्कर में, या बहुत सारी पार्टियों से, या निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैं बहुत पहले भी आप टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ, पूरे बिहार के संभ्रांत ब्राह्मण परिवार तथा कथित राजनेता शाहपुर को चारागाह बना रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि शाहपुर बिहिया की जनता कहती है कि शाहपुर बिहिया का लाल होना चाहिए और गंगाधर पांडे जैसा बेटा होना चाहिए, मैं उसको वोट दूंगा। मैं सकड्डी चांदी गोपालगंज छपरा सिवान के लोगों को वोट नहीं करूंगा। बहुत सुंदर, आप देख रहे हैं गंगाधर पांडे एक जबरदस्त मुहिम के साथ, इनके साथ जनसैलाब है। मैं आपको बताऊं कि युवाओं की काफी भीड़ देखने को, जहां भी जिस गांव में जाते हैं एक अलग युवाओं की एक टीम खड़ी हो जाती है, और तमाम लहरों के बावजूद भी गंगाधर पांडे के सपोर्ट करने वाले तमाम युवा साथी है। आइए इन लोगों से पूछते हैं आखिर इनके साथ क्यों लोग हैं, आइए जानते हैं। जी बताइए, आखिर गंगाधर पांडे ही क्यों हमारे बीच में? गंगाधर पांडे नया नेता है, मैं नया नेता का चुनना चाहता हूँ जो हमारे गांव का सही से सही विकास हो सके। हमारे गांव में कोई नेता आए हैं किसी तरीके का कोई विकास नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग गंगाधर पांडे को देना चाहते हैं। गंगाधर पांडे जिंदाबाद। आखिर गंगाधर पांडे क्यों? मैं कहना चाहता हूं यही कि शाहपुर विधानसभा में जब आए हैं, हम इनका इज्जत करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वेलकम करते हैं इनका। गंगाधर पांडे जिंदाबाद।
हम अभी तक जितना नेता लोग को देखे सब नेता लोग भ्रष्ट है, ऐसा नेता नहीं मिलेगा हम लोग को। ये करेक्टरवान चरित्रवान है, उसमें भी पंडित है और ब्राह्मण का भी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ तो सारे ब्राह्मण ही खड़े हैं। गंगाधर पांडे क्यों? गंगाधर पांडे इसलिए क्योंकि ये पहले से राजनीति में है, पहले से राजनीति में है, सच्चा नेता है। और सच्चा नेता तो है ये है और राजनीति में चेहरा देखना चाहते हैं। जमीनी स्तर से ये नेता है, जमीनी स्तर से। हमारे बीच में पंडित गंगाधर पांडे एक अच्छे और सच्चे समाजसेवी हैं और हमारे जनता के बीच के हैं, हमारे शाहपुर के लाल हैं। और इन्होंने भाई भतीजावाद के खिलाफ एक गुगुल फूका है, जो वंशवाद परिवारवाद है उसको खिलाफ, आम जनता जो हमारी विकास को रूप में रोड़ा बनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे युवा साथी पंडित गंगाधर पांडे को हम लोग अपना मत देकर विधानसभा भेजना चाहते हैं। पंडित गंगाधर पांडे जी जिंदाबाद। तमाम जन सलाम इनके साथ है और किसी ने सही ही कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आप देख रहे हैं तमाम भीड़ ये बता रही है कि पार्टी आपके साथ हो या ना हो, आपको टिकट मिले या ना मिले, हम आपके साथ है और काफी डिवोटी होके गंगाधर पांडे का एक नया चेहरा विधानसभा को देना चाहते हैं कि साथ विधानसभा में एक नया चेहरा हो। क्या बताना चाहते हैं? दो पार्टी से हम लोग बचाना चाहते हैं, उससे बढ़िया आदमी है ये नेता है, जो दो आदमी हैं सब भ्रष्ट कर दिए हैं पूरा इधर का विधानसभा। आप देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं, ये भीड़ बुलाई गई नहीं है, ये ऑटोमेटिक भीड़ जुड़ती जा रही है, कारवा बनते जा रहा है और जिस गांव में जा रहे हैं नेता चाहिए हम लोग को, नेता चाहिए। वो कोई भी कार्य है गांव में ना किसी अपने क्षेत्र में घूमते हैं जीतने के बाद, ना किसी जनता से कुछ सवाल पूछते हैं और ना जवाब देते हैं, ना कोई विकास करते हैं। इसके वजह से हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और चुने हैं और हम लोग की तरफ से जीत हासिल है एकदम। हर घर घूम के लोगों का आशीर्वाद पा रहे हैं और तमाम जनता को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि से अशोक तिवारी कैमरा।